अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सना की किचन में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू सनास किचन 818। आज की हमारी रेसिपी है फ्रूट कस्टर्ड। आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक पैन, इसमें हम 1 लीटर दूध गर्म करने के लिए रख लेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे एक बाउल में थोड़ा सा दूध निकाल कर रख लेंगे साइड में। इसके साथ साथ हम यहाँ पे दूध के पैन में यहाँ पे शुगर ऐड करेंगे। शुगर हम यहाँ पे 2 कप के करीब इसमें ऐड करेंगे और दूध को अच्छे से स्टर करते रहेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर को एक बाउल में निकाला हुआ दूध में कम से कम 4 टेबलस्पून दूध में अच्छे से मिक्स करते हुए, दूध को अच्छे से उबालने के बाद इसमें हम मिक्स किया हुआ कस्टर्ड को गर्म दूध में ऐड करते हुए इसको बिना रुके स्टर करते रहेंगे, क्योंकि इसमें लम्स ना होए। 3 से 4 मिनट कस्टर्ड को अच्छे से पकने के बाद यहाँ पे कस्टर्ड को ठंडा करने के लिए अलग रख लेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे फ्रूट की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एप्पल चॉप करके लेंगे, इसके बाद बनानास 3 से 4 बनाना यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पे ग्रेप्स को हम यहाँ पे 2 शेप में कट कर लेंगे, राउंड शेप में और लंबाई से 2 शेप में यहाँ पे ग्रेप्स को कट कर लेंगे। तब फ्रूट्स को हम यहाँ पे कट करके रख लिया है। इसमें हम बनाना, ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट, एप्पल, चीकू, आलमंड, कैश्यूज, चेरी सब ऐड करेंगे। कस्टर्ड हमारे यहाँ पे ठंडा होने के बाद इन सबको ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फ्रूट मिक्स किया हुआ कस्टर्ड को, फ्रूट कस्टर्ड को 1 से 2 घंटा फ्रिज में रखेंगे। इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। हमारे यहाँ पे कस्टर्ड फ्रूट कस्टर्ड बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो सनास किचन 818 चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।